અમારી D9 ન્યૂઝ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, ક્લિક કરો, બે આઇકન કરો અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ। कॉम्प्यूटर साइंस एंजीनियरिंग नो अभ्यास करी रहेला दिव्यांग जयंत ध्रुवी शाह, कोमल वैद्य, स्वयं रावल, भार्गव सोरठिया अने केतुल माधवाणीए इंस्टाग्राम अने फेसबुक पर ग्लिमर्स ऑफ गुजरात ना नाम थी ऑनलाइन झूंबेश शुरू करी छे। गत मे मास में लॉकडाउन ना समयगाड़ा में मेंटल हेल्थ ना विषय ने केन्द्र में राखीने शुरू थयेली झूंबेश ने आधीन हवे दुष्कर्मनी वधी रहेली घटनाओ समय अवाज उठावामां आवी रह्यो छे। ग्लिमर्स ऑफ गुजरात झूंबेशमां हमणा सुधीमां कैंसरथी पीड़ित व्यक्ति, विविध क्षेत्रमां डंको वगाड़नारी हस्तीओने सांकळती 100 जेटली जीवंत वार्ताओ रजू करवामां आवी छे। ज्यारे हवे स्टॉप नॉर्मलाइजिंग रेप कल्चर विषयने आधीन शुरू करायेली मोहिममां 10 जेटली हस्तीओ, महिला अग्रणी, बुद्धिजीवीओना अभिप्रायो साथे दुष्कर्मना किस्सामां आरोपीओने केटली कड़क सजा करवी जोईए तेना उपर विचार मंथन कराई रह्युं छे। दुष्कर्मनी घटना सामे रोष ठालवतो वीडियो अपलोड करवानी साथे ज गणतरीना दिवसोमां ज 10,000 लाइक मळी गया छे। हवे लोकजागृतिनी हांकल करवामां आवशे। ग्लिमर्स ऑफ गुजरात अभियानની शुरुआत करनारा सूरतना दिव्यांग जैने जणाव्युं हतुं के गत मे मासमां लॉकडाउन वखते लोकोनुं मानसिक स्वास्थ्य अत्यंत कठळी गयुं हतुं। आर्थिक प्रश्नो उभा थता अनेक सामान्य परिवारोनी हालत पण कफोड़ी थई हती। ते समये मारा एक संबंधीए आर्थिक मुश्किलीने कारणे आपघातनो प्रयास कर्यो हतो। ते किस्सामांथी शीख लईने लोकोना मानसिक स्वास्थ्य माटे ऑनलाइन झूंबेश शुरू करी हती। तेमां हमणा सुधीमां सौथी वधारे जीवंत वार्ताओ रजू करी चूक्या छे। बीजी बाजु दुष्कर्मनी वधी रहेली घटनाओ समाज माटे कलंकरूप होय ते दिशामां नक्कर कामगीरी करवामां आवशे। युवानो अने लोकमानसमां जोवा मळता आक्रोश सामे योग्य कार्यवाही करवामां आवे तेवी मांग झूंबेश थकी कराशे। मेरा नाम पूजा आशीष जैन है और ग्लिमर्स ऑफ गुजरात एक चैनल है जो पूरे गुजरात की जितनी भी सेलिब्रिटीज़ है या जितने भी बहुत अच्छा काम किया है हम उनको लोगों को बताते हैं कि इन्होंने कैसे नीचे से ऊपर आए हैं। तो जो दिखते नहीं हैं वो सब लोगों को दिख जाते हैं कि किस तरीके से वो ऊपर आए हैं। एंड इन्होंने बच्चों ने जो निर्मा इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं और उनके फ्रेंड्स हैं उन्होंने मिलके ये चैनल कोरोना पीरियड में शुरू किया था। बहुत ही बढ़िया चैनल है ये और इसके थ्रू ये लोग बहुत सारे सोशल कॉजेज़ भी कर रहे हैं विच इज़ रियली अप्रिशिएबल आई सपोज़। एंड अभी ये लोग जो रेप के ऊपर ही कॉज कर रहे हैं मैं चाहती हूँ कि ऐसे और भी वो कॉजेज ऊपर लाएं जैसे जो डावरी के लिए है, जो औरतें जला दी जाती है, तो ऐसे बहुत सारे कॉजेज हैं। आई वांट देम कि वो इन सब चीज़ों को भी अपलिफ्ट करें और लोगों को इसके बारे में जागरूकता करें। हम ग्लिमर्स ऑफ गुजरात का चैनल चलाते हैं। उस पेज पे हम लोगों की स्टोरी शेयर करते हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस गुजरात। अलग अलग लोगों की हम स्टोरी शेयर करते हैं पूरे गुजरात में से। और हमारे पेज पे अभी हमने एक कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है हैशटैग स्टॉप नॉर्मलाइजिंग रेप कल्चर। रेप को इतनी इस तरीके से बना दिया है लोगों ने कि रेप जैसे कोई पिक पॉकेटिंग हो, कोई छोटी मोटी चोरी हो, लेकिन रेप इतना गंदा और घिनौना क्राइम है उसको उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। और उस बात को हम ऑब्जर्व करते हुए हम आज का जो युवा पीढ़ी है उन लोगों को मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि उसको उतना ही गंदी तरीके से देखिए, उसके लिए उतनी ही नफरत रखिए उस गलत काम के लिए। और जो विक्टिम है उसको ब्लेम मत कीजिए, जो गलत काम करने वाला है उसको ब्लेम कीजिए और उसके खिलाफ अच्छे से एक्शन लीजिए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने हमारा कैंपेन शुरू किया है ग्लिमर्स ऑफ गुजरात पे। हमको काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन सपोर्ट मिला है। मैंने वीडियो पोस्ट किया था, मेरे वीडियो पे 12,000 व्यूज़ हो गए हैं। पब्लिक बहुत सपोर्ट कर रही है, स्पेशली यूथ बहुत सपोर्ट कर रहा है। कॉलेज जाने वाले जो विद्यार्थी है वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग ने काफ़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी कोलैबोरेशन किया है जिनके साथ हम लोग मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं कि हम इस रेप कल्चर को कैसे रोक सकते हैं, इसके अगेंस्ट हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें हमारे साथ हज़ारों स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। मैं निर्मा यूनिवर्सिटी से हूं और मेरे कॉलेज के ही काफ़ी छात्र और दूसरे कॉलेजेस के भी काफ़ी छात्र हमारे साथ जुड़ के अलग अलग ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर में स्टोरीज डाल रहे हैं इंटरनेट पे और अपने दोस्तों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं। रवि कोइचा, D9 न्यूज़, सूरत।